थैंक यू रोहित और सभी दोस्तों को नमस्कार। बोलने को तो खैर अंग्रेजी में भी बोला जा सकता है टूटी फूटी में, लेकिन मामला कबीर का है और जैसा इन्होंने कहा कि कबीर से वर्षों पुराना नाता है और कबीर से जो नाता है उससे ज़्यादा पुराना नाता हिंदी से। हिंदी मेरी मादरी जुबान है और मैं हिंदी में बोलने में बेहतर समझूंगा और इस बहाने थोड़ा बहुत अभ्यास जिन लोगों को नहीं है उनको भी हिंदी सुनने का हो जाएगा, कोई हर्ज उसमें नहीं है। एक और निवेदन है कि ये सामने इतनी सारी कुर्सियाँ जो खाली दिख रही हैं इससे क्या होता है कि वक्ता डिमोरलाइज होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिमोरलाइज होकर 5 मिनट में बंद ना कर दूं तो कृपा करके यहाँ आ जाइए। हालांकि मुझे पता है कि इन सीढ़ियों पर बैठने का अपना एक मतलब है, इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, और इन सीढ़ियों पर तो नहीं लेकिन ऐसी ही कुछ और सीढ़ियों पर मैं भी बहुत बैठा हूँ, और लेकिन फिर भी सामने आ जाए तो थोड़ी सहूलियत रहेगी बात करने में। दोस्तों मैं बहुत आभारी हूँ JNUSU का और इस सीरीज के आयोजकों का कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला कबीर पर, कबीर की भक्ति पर, कबीर की कविता पर। और पिछली बार जब मैं यहाँ बोला था तो वो तो संयोग से, मेरा कोई इरादा नहीं था बोलने का, लेकिन एक पुराने JNUIT की तरह मैं आ गया था अपनी सॉलिडरिटी प्रकट करने और मुझे देख लिया गया और कहा गया कि बोलिए, तो मैं बोला। और मैं जब कल इसके बारे में नीलाद्री से बात कर रहा था और मुझे थोड़ा जल्दी जाना था आज, लेकिन अब तो खैर क्या जल्दी और क्या देर, जब जाना था तब तो शुरू हो रहा है, तो नीलाद्री ने कहा कि भाई तुम लंबा बोलती हो, तुम कम बोलना, तुम तो मैं जल्दी छोड़ देंगे। तो मुझे ये बात थोड़ी लग गई, मैंने झट से जाके यूट्यूब पे देखा कि मैं कितना बोला था, तो भाई साहब मैं कुल 24 मिनट बोला था उस दिन जिसको आप लंबा, मैंने यूट्यूब पर देखा कि कितनी देर में बोला था कल। एनीवे दोस्तों, हिंदुस्तानी साहित्य से वाबस्ता शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कबीर का नाम ना सुना, और आजकल पिछले 20-25 बरस से तो दुनिया भर में आप कह सकते हैं कि कबीर इज ऑलमोस्ट अ कल्चरल सुपरस्टार। पिछले मिलेनियम के सुपरस्टार्स अगर आप गिने तो उनमें एक कबीर भी होंगे, बहुत सारे उनके तर्जुमे हुए हैं अंग्रेजी में, दूसरी जुबानों में, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पॉपुलर कल्चर में भी कबीर मौजूद हैं, एकेडमिक्स में भी कबीर मौजूद हैं, भक्ति के अध्ययन में तो खैर उनको होना ही है और तमाम जगह पर हैं। मुझे जो कहा गया है कि फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने नीलाद्री से कहा कि मैं बोलना चाहूँगा भक्ति मायने भागीदारी, भक्ति एज पार्टिसिपेशन, और ये कबीर और उनके जैसे कवियों का बहुत सिंगुलर कंट्रीब्यूशन है इन द इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, कि वो भक्ति के कनोटेशन को बदलते हैं, या कहिए कि जो कनोटेशन लगभग गायब हो चला था, जिसकी लोग उपेक्षा करने लगे थे, उसको रिवाइव करते। मैं शुरू करना चाहता हूँ अनंत दास की 2 पंक्तियों से। उसके पहले एक बात बहुत साफ तौर से समझ लेने की ज़रूरत है, जिस किताब का जिक्र अभी रोहित कर रहे थे, अकथ कहानी प्रेम की, उसमें ये बात मैंने लिखी है और मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास को और वर्तमान को भी अगर समझना है तो हिंदुस्तान में जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज है, हालांकि वर्नाक्युलर कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है लेकिन मजबूरी में, क्योंकि वर्नाक्युलर इज अ लोडेड टर्म, आई डोंट लाइक दिस टर्म एनी पर्टिकुलरली, लेकिन मजबूरी है। तो हिंदुस्तान की वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज की उपेक्षा करके आप हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते। आप हिंदुस्तान का इतिहास लिखने चलें और संस्कृत और फारसी का उपयोग करें, बहुत जरूरी है, करना ही है, करना ही चाहिए, अरबी स्रोत, फारसी स्रोत, संस्कृत स्रोत, लेकिन अगर आप हिंदी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, इन स्रोतों पर पूरी इज्जत के साथ, पूरी मेहनत के साथ ध्यान नहीं देंगे तो हिंदुस्तानी इतिहास और कल्चर की आपकी समझ अधूरी तो निश्चित रूप से होगी, डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, अगर आप मॉडर्न डिस्कोर्स पढ़ें भक्ति पर, जो पिछले 100-150 साल में रिसर्च की गई है ओरिएंटलिस्ट से लेकर के बाद में इतिहासकारों से लेकर हिंदी साहित्य के या बांग्ला साहित्य के इतिहासकारों द्वारा, तो
तो आप देखेंगे कि भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, भक्ति का मतलब होता है सरेंडर। बल्कि एक इतिहासकार का तो कहना यह है कि भक्ति वॉज एन आइडियोलॉजी ऑफ सरेंडर पार एक्सीलेंस, भक्ति वॉज एन आइडियोलॉजी ऑफ फ्यूडल माइंडसेट। सुनने में बात ठीक लगती है, और आजकल भी हम भक्त शब्द का जिस तरह प्रयोग करने लगे हैं उससे मुझे पर्सनली बहुत चिढ़ होती है, लेकिन अब क्या किया जाए, मेरी चिड़ से क्या होता जाता है। तो जिस तरह आजकल हम भक्त शब्द का प्रयोग करने लगे हैं मुझे बहुत असुविधा होती है, क्योंकि मैं भक्ति का कुछ दूसरा कनोटेशन जानता हूं और उसके प्रति सचेत हूं। तो भक्ति को मान लिया गया है एक आइडियोलॉजी ऑफ सरेंडर, फ्यूडल पावर के प्रति सरेंडर, फ्यूडल सिस्टम के प्रति सरेंडर। इस तरह के नोशन असल में इसीलिए हमारे मन में घर कर गए हैं कि हमने वर्नाक्युलर सोर्सेज की या तो उपेक्षा की है, या उन्हें संस्कृत का अनुवाद मान के पढ़ा है, या हमने उन्हें पर्सियन का कंट्री कजिन मान के पढ़ा है। इन तीनों गलतियों से अगर आप बाहर निकल के वर्नाक्युलर सोर्सेज को इज्जत के साथ पढ़ें और उनके साथ डायलॉग करें तो भक्ति की आपकी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, बुनियादी बदलाव भक्ति की आपकी समझ में आ जाएगा। आधुनिक विद्वान हमें बताते हैं कि ये जो मीडिएवल पीरियड था, इसको मैं मीडिएवल भी नहीं मानता, खैर वो एक अलग बहस है, वो मीडिएवल है अर्ली मॉडर्न है, अब इतिहासकार सामने बैठे हैं उधर बैठे हैं, ये बहस हम अलग से कर सकते हैं, लेकिन जो भी ये पीरियड है, इस दौर में जो भक्ति उत्पन्न हुई है क्या वो सचमुच आइडियोलॉजी ऑफ सरेंडर? आप मूल स्रोतों को देखिए, वर्नाक्युलर को देखिए। तुलसीदास के बारे में कुछ धारणाएं हैं आधुनिक लोगों के बीच में, उनमें से कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, कुछ बिना पढ़े बन गई हैं, लेकिन तुलसीदास के नाम से एक दोहा प्रचलित है और उसका प्रसंग यह है कि तुलसीदास अब्दुल रहीम खान खाना के बड़े अच्छे दोस्त थे, और कहा जाता है कि खान खाना ने उनसे एक बार कहा कि शहंशाह अकबर चाहते हैं कि आपको मनसब दे दी जाए, आनंद से बैठ के भक्ति कीजिए, कविता लिखिए, और ठीक है फिर वो रोजी रोटी की झंझट से आप मुक्त हुए। तो कहा जाता है कि तुलसीदास ने जवाब दिया, दोहा छंद में जवाब दिया, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। हम रघुवीर के चाकर हैं, उनके सेवक हैं, हम अकबर के या किसी भी दूसरे बादशाह के मनसबदार क्यों बनेंगे? नाउ दिस इज तुलसीदास हु इज नॉट पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज कोट अनकोट प्रोग्रेसिव, लेकिन ये तुलसीदास की अभिव्यक्ति। कबीर के बारे में एक किंवदंती है, किंवदंती क्या घटना किसी ना किसी रूप में हुई होगी, और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ ये भी बात करेंगे, कि कबीर की बातों से जब काशी के ब्राह्मण और मुल्ला लोग परेशान हो गए, तो शहंशाह सिकंदर लोदी जब एक बार बनारस पहुँचे तो उन लोगों ने जाके उनसे शिकायत की और कहा कि जब लग जुल्हा काशी होई तब लग हमें माने ना कोई। चिंता यही थी कि हमारी कोई सुनेगा नहीं जब तक ये यहाँ रहेगा, तो इसको देश निकाला दीजिए, जलावतन कीजिए काशी से। तो सिकंदर ने तलब किया कबीर को कि भाई ये क्या गड़बड़ है, क्यों तुम लोगों की भावनाएं आहत करते रहती हो, सेंटीमेंट हर्ट करते रहती हो। तो बुलाया गया कबीर को, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो कबीर ने एक्सप्लेन किया और नतीजा ये निकला कि सिकंदर कबीर से बहुत प्रभावित हो गया और उसने कहा कि आप तो बड़े सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं, सच्चे संत हैं, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। अनंत दास की परिचय से ये सारी बात मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और अनंत दास कहते हैं कबीर ने सिकंदर से कहा कि वो सब ठीक है यार, हमारा करगा भला, हमारा काम भला, हमारा राम भला, हम ये चले, और कबीर दास छोड़ छाड़ के चल दिए। जिस संवेदना के किंवदंती जगत में एक सुल्तान की उपेक्षा एक जुलाहा कवि करता है, जिस संवेदना के किंवदंती जगत में तुलसीदास जैसा कवि ये कह देता है कि अब का होंगे नर के मनसबदार, उसे फ्यूडल आइडियोलॉजी का पोएटिक ट्रांसलेशन कहने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। वो संवेदना फ्यूडल आइडियोलॉजी का पोएटिक ट्रांसलेशन नहीं। ये माना जाता है कि भक्ति बहुत पुरानी चीज है, और वाजिब बात है भक्ति बहुत पुरानी चीज है, कोई इसी काल में नहीं पैदा हुई, और भक्ति के एक सिस्टम के रूप में, एक विचार के रूप में, एक सेंसिबिलिटी के रूप में प्रमाण हमें तीसरी चौथी सदी से तो मिलने ही लगते हैं, उसके पहले से भी मिल सकते हैं। पाणिनी के यहाँ भक्ति शब्द पर व्याचार किया गया है, उसके पहले व्यास्क के यहाँ किया गया है, और इसीलिए बहुत से लोगों को ये लगता है, बहुत से आधुनिक इतिहासकारों को ये लगता है कि ये जो भक्ति थी मध्यकाल की, ये उसी भक्ति भावना का या उसी भक्ति संवेदना का नया अवतार,
कहा गया है। ग्रियर्सन से लेकर बाद तक के स्कॉलर्स किसी ना किसी रूप में ये मानते रहे हैं कि ये जो प्राचीन भागवत धर्म था, एंशियंट भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन, ये भक्ति उसी का विस्तार थी, उसी का पुनरावतार थी। मैं अभी अनंत दास की बात कर रहा था। अनंत दास भारतीय इतिहास के बहुत रोचक व्यक्ति। अनंत दास ने कई निर्गुणपंथी संतों की परिचयियां लिखी। परिचय यानी इंट्रोडक्शन, हेजियोग्राफी, बायोग्राफी। और अनंत दास ने नामदेव की परिचय लिखी है, कबीर की परिचय लिखी है, पीपा की लिखी है, रहदास की लिखी है। ये तो सब बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। राका बांका जो राजस्थान के भक्त थे और शायद हम में से बहुत लोग ना जानते हो, उनकी भी परिचय लिखी है। ये बहुत ही रोचक है और इतिहासकारों के लिए और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक दिलचस्प चुनौती है कि अनंत दास ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इतना सा भी संकेत अपने बारे में नहीं। बड़ी मुश्किल से खींचतान के इतिहासकार ये तय कर पाए हैं कि शायद पीपा के वंशज रहे होंगे, पोते वगैरह रहे होंगे, पीपा जो राजा थे गागरौन के। और रामानंदी संप्रदाय की जो परंपरा है, जो रसिक संप्रदाय है, उसमें अग्रदास नाम के जो महात्मा थे उनके शिष्य रहे होंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते अनंत दास के बारे में। अब इस पर ध्यान दीजिए, जो बहुत सारी धारणाएं हमने आजकल बना रखी है, ये रामानंदी संप्रदाय सगुण संप्रदाय है। ये लोग मूर्ति पूजा करते थे और ये वर्णाश्रम की उस तरह निंदा नहीं करते थे जैसे निर्गुण भक्त करते थे, और अनंत दास इन्हीं में से एक थे। लेकिन परिचयियां उन्होंने जितनी भी लिखी हैं वो सब की सब निर्गुण भक्त। इस पर हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। और निर्गुण भक्तों में जो सबसे पहली परिचय अनंत दास ने लिखी है वो नामदेव। नामदेव का समय 13वीं सदी के आसपास का माना जाता है और अनंत दास उनकी परिचय हम अंदाज लगाते हैं कि लगभग 1588 के आसपास लिख रहे थे। ये परिचय शुरू होती है, पहली पंक्ति है उसकी, कलयुग प्रथम नामदेव भैया केशव अपने बस कर ले। कलयुग में सबसे पहले भक्त नामदेव हुए, उन्होंने केशव को अपने बस में, केशव यानी भगवान कृष्ण का नाम है, तो केशव को उन्होंने अपने बस में कर लिया। मैं जब अनंत दास को पढ़ता हूं तो मेरे मन में यह सवाल पैदा होता है कि अनंत दास वैष्णव थे, रामानंदी संप्रदाय के थे, उनके हिसाब से कलयुग कब से आरंभ हुआ। आप लोग तो सब, आप में से अधिकांश वामपंथी हैं, लेकिन फिर भी इतिहास की जानकारी रखने वाले वामपंथी हैं, इसलिए आपसे भी पूछा जा सकता है अगर क्षमा करें तो, पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग कब से आरंभ हुआ। परीक्षित के राजा, ये तुम पहले भी बता चुके हो, तुम ही क्यों बोल रहे हो और भी किसी को बोलने दो। एनीवे, तो कलयुग महाभारत के खत्म होने से, और असल में परीक्षित का राज्य अभिषेक आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के गोलोक गमन से कलयुग आरंभ होता है। हिस्टोरिकली अनंत दास 13वीं सदी के एक आदमी के बारे में लिख रहे हैं तो उससे कम से कम 2000 साल पहले कलयुग आरंभ हो गया था या 2500 साल पहले आरंभ हो गया था। अनंत दास इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण को गोलोक गए, परीक्षित को राजा बने, हजारों साल गुजर चुके हैं। उन हजारों साल के बीच में कोई भक्त नहीं हुआ था क्या? विष्णु पुराण में कई भक्तों के नाम आते हैं, भागवत में कई भक्तों के नाम आते हैं, नारद के भक्ति सूत्र में कई भक्तों के नाम आते हैं, और उन भक्तों का जिक्र नाभादास अपनी भक्तमाल में करते हैं। क्या वजह है कि अनंत दास ये कह रहे हैं कि कलयुग के पहले भक्त नामदेव? इस पर गौर करने की जरूरत। क्या वजह है कि वो कलयुग का पहला भक्त होने का श्रेय नामदेव? इस पर गौर करने की जरूरत। कोई वजह है? अनंत दास अपने मुहावरे में इस बात को नोट कर रहे हैं कि नामदेव ने भक्ति में ऐसा कुछ निर्णायक मोड़ लाया कि भक्ति अब एग्जैक्टली वो नहीं रह गई जो मिसाल के तौर पर गुप्त काल में थी, 4वीं सदी में थी या 5वीं सदी में। कुछ बदलाव नामदेव के कारण भक्ति में आ गया, और वो बदलाव क्या आया मैं उसके लिए बेहतर है कि पद पढ़ूं आपके साथ। ये नामदेव का पद है।
दीनहीन मेरी जात मेरी पंडरी के राया, ऐसा तुमने नामादर्जी काय को बनाया। ताल बिना लेके नाम देउल में गया, पूजा करते ब्रह्मन उन्हें बाहर ठकलाया। देउल के पीछे नामा अल्लग पुकारे, जिधर जिधर नामा उधर देउल फिरे। नाना वर्ण गवा उनका एक वर्ण दुध, तुम कहाँ के ब्रह्मन हम कहाँ के शुद्ध। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, केचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। विनती ये है मित्रों कि नामदेव मंदिर में दर्शन करने गए तो पुरोहित ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप छोटी जात के हैं, मंदिर में कैसे घुस आए। नामदेव बाहर आके जिस तरफ भी मुंह करके खड़े हो जाते थे और भजन करने लगते थे, मंदिर का मुंह उस तरफ मुड़ जाता था। जिस तरफ नामदेव चले जाते थे, विट्ठल का मंदिर अपना मुंह उस तरफ कर लेता था। उस किंवदंती को नामदेव यहाँ शब्द दे रहे हैं। कुछ ऐसा है, और इसी को अनंतदास नोट करते हैं। नामदेव से वो प्रक्रिया आरंभ होती है जहां से कि भक्ति ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू एन आइडियोलॉजी और अ सिस्टम ऑफ इंटरोगेशन फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ सरेंडर टू फ्यूडल पावर और फ्यूडल राइट्स। तो जिस भक्ति की हम बात कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी ऑफ सरेंडर नहीं है, वो मेथड ऑफ इंटरोगेशन, वो सवाल करने वाली। और वो सवाल बड़े बुनियादी सवाल है। इसमें जो पंक्ति अभी मैंने पढ़ी कि तुम कहां के ब्राह्मण हम कहां के सूद, शब्द से ही ये पंक्ति कबीर में आती है। हम कत लोगू तुम कत दूध, तुम कत बामन हम कत सूद। लगता है कि जैसे एक नामदेव के यहां से कबीर ने जस का तस उसको पिक कर लिया है उसने। तो इसलिए अनंतदास को आप पढ़ें और देखें कि कलयुग के प्रथम भक्त नामदेव हैं। नामदेव यानी 13वीं सदी के आसपास भक्ति की जो ट्रेडिशनल धारणा है, शब्द वही रहते हैं, प्रतीक वही रहते हैं, भगवान के नाम वही रहते हैं, लेकिन भक्ति का पूरा कंस्ट्रक्ट, भक्ति का पूरा आइडिया बदल गया। एंड इन दिस सेंस नामदेव इज द फर्स्ट भक्त इन कलयुग। एक और बात हमें यहां लगे हाथ नोट करें, भक्ति एक तरफ उपासना पद्धति है और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जीवन दृष्टि या जीवन पद्धति। उपासना के रूप में, फॉर्म ऑफ वर्शिप के रूप में सभी लोग भक्त हो सकते हैं। जिनको हम हिंदी साहित्य में भक्त कवि कहते हैं, उनके अलावा जो कवि थे वो भक्त नहीं थे। निजी जीवन में भक्त तो 20वीं सदी के कवि थे। आज भी मैं नाम क्यों लूं, लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी मार्क्सवादियों को जानता हूं जो छुप छुप के भक्ति करते हैं, खुल के नहीं कर पाते। करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, मैं भी कभी कभार करता हूँ, कुछ लोग नियमित रूप से करते हैं। तो ये भक्ति है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, हंसने की कोई बात नहीं भाई इसमें। लेकिन यहाँ भक्ति यानी फॉर्म ऑफ वर्शिप। आप कबीर को इसलिए भक्त नहीं कहते हैं कि वो भक्ति के फॉर्म ऑफ वर्शिप की बात करते हैं। आप कबीर को भक्त कवि जब कहते हैं तो आप एक खास तरह की पॉलिटिक सेंसिबिलिटी को रेफर करते हैं, आप एक खास तरह की सोशल सेंसिबिलिटी को रेफर करते हैं। जब आप तुलसीदास को भक्त कवि कहते हैं या सूरदास को भक्त कवि कहते हैं और बिहारी को नहीं कहते, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बिहारी कोई नास्तिक थे या भक्ति नहीं करते थे। असल में बिहारी, उनके बारे में हम इतिहास में काफी जानते हैं। कहा जाता है कि रोजाना 1 घंटे पूजा करते, तुलसीदास शायद ही इतनी पूजा करते। लेकिन भक्त कवि तुलसीदास, भक्त कवि बिहारी है। कहने का मतलब यह है कि भक्ति जब एक संवेदना के रूप में, एक जीवन दृष्टि के रूप में, एक सोच के रूप में प्रकट होती है, तब हम उसे अलग तरह से देखते हैं। और भक्ति जब केवल उपासना पद्धति के रूप में होती है तो वह बात अलग होती है। जब अनंतदास नामदेव को कलयुग का पहला भक्त कह रहे हैं तो वो ये नोट कर रहे हैं अपनी शब्दावली में, अपने मुहावरे में, जिसका हमारे आधुनिक मुहावरे में ट्रांसलेशन हमें करना चाहिए कि भक्ति को एक वे ऑफ लाइफ बनाने वाले, एक इंटरोगेटिव आउटलुक बनाने वाले पहले व्यक्ति नामदेव। कबीर जिन लोगों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, कबीर की कविता में व्यक्तियों के नाम बहुत कम मिलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं मिलता है जी मैटर ऑफ फैक्ट। उनके अपने माँ बाप तक का नाम नहीं मिलता, उनके गुरु माने जाते हैं रामानंद उनका नाम नहीं मिलता, सिकंदर ने उन पर अत्याचार किया उसका नाम नहीं मिलता। कबीर के यहाँ 3 नाम मिलते हैं, त्रिलोचन, जयदेव और नामदेव। इन 3 के प्रति कबीर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कबीर के यहाँ 1 नाम और मिलता है, लेकिन वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो अलग बात है, नारद। नारद के प्रति कबीर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भगत नारदी मगन शरीरा एविद भवतरे कबीरा।
तो नामदेव कलयुग के प्रथम भक्त हैं, और किस अर्थ में ये हमने देखा। कबीर की अगर बात करें तो कबीर अपनी सेंसिबिलिटी को, अपनी सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। एक समस्या यह है कि हम लोग कबीर को पोएट के रूप में नहीं पढ़ते। हम में से ज्यादातर लोग या तो कबीर को धर्मगुरु के रूप में पढ़ते हैं, हालांकि कबीर के यहां धर्म की चिंता बिल्कुल नहीं है। पूरी कबीर ग्रंथावली में मैंने खूब ध्यान से गिना, कंप्यूटर वाले मित्रों की मदद भी ली गिनने के लिए, धर्म शब्द कुल मिला के 11 बार आता है पूरी ग्रंथावली, और उसमें से भी 3-4 बार ठीक ठाक ढंग से आता है, बाकी खिल्ली उड़ाने के लिए ही आता है। तो कबीर को धर्म की चिंता नहीं, कबीर को चिंता भक्ति की। भाव भगति और भक्ति और राम और विवेक और अनुभव, ये शब्द अगर आप कबीर में गिनने चले तो गिनना मुश्किल है। ये कबीर के की कॉन्सेप्ट, अनुभव अनुभव, राम सहज रैनी, भाव भगति, ये कबीर के की कॉन्सेप्ट। कबीर अपनी कविता के बारे में या भक्ति के बारे में कहते हैं स्वयं, कबीर की अपनी साखी है ये, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बानी फूटी पास। मेरे शरीर में प्रेम का प्रकाश हुआ, उससे मेरे अंतर मन में रोशनी हुई, और उसी के कारण मेरे मुंह से कस्तूरी जैसी वाणी निकली। कबीर की कविता, कबीर की भक्ति का जो बेसिक प्रेमाइस है वो प्रेम, और प्रेम से ही कबीर की सारी सामाजिक आलोचना पैदा हुई। अगर आप कबीर की कविता को एक समग्रता में पढ़े, एक टोटेलिटी में पढ़े, तो बहुत सिंपल है। अगर कबीर का पोइटिक स्टेटमेंट आप 3-4 वाक्यों में रिड्यूस करना चाहें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा कि प्रेम के आधार पर मैं अपने राम के साथ संवाद कर सकता हूँ, अपने राम के साथ मेरी सारी बातचीत हो सकती है। तो फिर ऐसा समाज में ऐसा क्यों है? अभी 2 महीने पहले लिखा गया एक मार्मिक वाक्य अगर याद करूं, समाज में ऐसा क्यों है I have been reduced to an identity। कबीर ये सवाल पूछते हैं, और ये सवाल आज तक रिवर्वेट करता है, इसीलिए कबीर आज तक लोगों को पास है। बहुत आप कल्पना कीजिए किस कदर आयरनी के साथ, किस कदर कष्ट के साथ कबीर एक पद में कहते हैं, आए हमारे कहा करोगी हम तो जात कबीर, तहां जाओ जहां अगर चंदन घसली ना, तहां जाओ जहां पाठ पटंबर अगर चंदर घसली ना, आए हमारे कहा करोगी हम तो जात कबीर। हमें तो कमीन जात कहते हैं, आप लोग छोटी जात कहते हैं, हमारे पास आने से क्या। ये जो रिडक्शन टू एन आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कबीर की भक्ति सबसे पहले इस पर चुप करती है, और इसीलिए वो ये बार बार कहते हैं कि मैं जुला हूं लेकिन अपनी भक्ति के बल पर जो कुछ मुझे हासिल करना है मैं करूं। तो कबीर की कविता का जो मूल तत्व है वो प्रेम, प्रेम से ही सारी बात निकलती है। आप ये देखेंगे कि कबीर भक्ति को जब व्यक्त करते हैं, भक्ति की जब बात करते हैं, तो हाँ सरेंडर है उसमें, बेसिक सरेंडर, लेकिन वो सरेंडर वैसा सरेंडर नहीं है जैसा कि कोई अपराधी पुलिस के सामने करता है, या जैसा कोई पराजय सेना दूसरी विजेता सेना के सामने करती है। वो वैसा सरेंडर है जैसा प्रेम में प्रेमी करता है या प्रेमिका करता है, उसमें भी आप सरेंडर करते हैं। अपनी प्रेमिका या अपनी प्रेमी की ऐसी बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें आप मान लेते हैं जो मानने लायक नहीं है, कम से कम मैं मान लेता हूँ। तो नहीं नहीं आप नाराज ना, तो इसलिए तो प्रेम में जो सरेंडर होता है वो अलग तरह का सरेंडर है। कबीर में और दूसरे भक्त कवियों में सरेंडर है वो प्रेम का सरेंडर, उस तरह का सरेंडर नहीं है। मतलब एक सरेंडर के साथ बांकपन ये है, अभी ये कबीर ही कह सकते थे, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। ये कबीर ही कह सकते थे कि मैंने अपना मन निर्मल कर लिया है, जैसे गंगा जी निर्मल है, यानी आज की गंगा नहीं उस जमाने की, जैसे गंगा जी निर्मल है तो भगवान मेरे पीछे पीछे कबीर कबीर कहता था, मुझे उसके पीछे जाने की क्या पड़ी। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर।
तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी जित खेचे तित जाओ। मैं तो कुत्ता हूँ राम का, मेरे गले में प्रेम की रस्सी पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ राम खींच के ले जाता है वहाँ वहाँ मैं चला जाता हूँ। दोस्तों, खास करके मैं नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ, और इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा आप में से कोई भी, मुझे सचमुच ये लगता है, और ये मैं उम्र की वजह से, अपनी उम्र की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मुझे सचमुच ये लगता है कि पिछले 15-20 साल में, चाहे वो टेलीविजन के कारण है, चाहे वो इंटरनेट के कारण है, चाहे वो जिस भी कारण है, हम लोगों ने सेंसिटिविटी ऑफ लैंग्वेज बहुत खोई। हमारी लिटरेरी सेंसिबिलिटी छोड़ दीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ लैंग्वेज का बहुत पता। हम भाषा में आयरनी खो बैठे, हम भाषा में किसी भी तरह की जो व्यंजना होती है, जो जो एक अंतर्निहित अर्थ होता है, व्यंग्यार्थ जो होता है, वो हम खोते चले गए। हमारी लैंग्वेज उतनी ही सपाट होती जा रही है जितनी टेलीविजन न्यूज की। सौभाग्य से लैंग्वेज उतनी सपाट चीज है नहीं जितनी टेलीविजन वाले उसको बना दें, जितनी अखबार वाले उसको बना दें। इसका एक नतीजा ये भी निकला है कि कबीर हो या तुलसीदास हो या गालिब हो या कोई भी कवि हो, हम उनको भी बहुत सपाट ढंग से पढ़ने के आते। हालत यह है कि अभी जैसे मैंने आपके सामने ये दो दोहे रखे, और ऐसे लोग कबीर स्कॉलर भी कहलाते हैं, ऐसे लोग अध्येता कहलाते हैं, जो मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि देखिए इन दोनों में से एक ही कबीर का हो सकता है। या तो कबीर ये कह सकते हैं कि भगवान मेरे पीछे पीछे फिरता है, और या फिर ये कह सकते हैं कि मैं भगवान का भूत हूँ। दोनों बातें एक ही आदमी कैसे कह सकते हैं? कैसे हम सब कहते हैं अपने जीवन, हम सुबह से शाम तक 10 तरह की मनोदशाओं से गुजरते हैं, 10 तरह की मनोदशाएं हम अभिव्यक्त करते हैं। सुबह हम मम्मी से बहुत झगड़ के कॉलेज या स्कूल जाते हैं, जिंदगी भर के लिए झगड़ा नहीं करते। सिनेमा देखने के लिए पहुंचे और आपका दोस्त नहीं आया या नहीं आई तो कुट्टी कर देते, वो कुट्टी जिंदगी भर नहीं चलती। बहुत सीधी सी बात है, ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो कविता को, किसी भी इंसान को अगर आप इंसान के रूप में और कविता को अगर एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रूप में आप देखेंगे, तो ये चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये उस आदमी के इंसान होने का सबूत है। तो कबीर जब ये कहते हैं कि जैसे मन निर्मल भया, तब भी कबीर है, और जब ये कहते हैं कि जैसे कूता राम का, तब भी कबीर। कबीर की भक्ति, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर उसको एक छोटे से स्टेटमेंट में रिड्यूस करें, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, हाँ तुम ऐसे कुछ करती हो तो मुझे डर लगने लगता है। तो वो स्टेटमेंट ये है कि सारी सामाजिक आलोचना कबीर इस गहरे फीलिंग से, इस गहरे अनुभव से। हम ये भी ध्यान रखें, भक्ति माने भागीदारी, इसका एक बेसिक स्पिरिचुअल बेसिस है। आप आध्यात्मिकता को माने या ना माने, आप जगत के बाहर किसी सत्ता को माने या ना माने, लेकिन कबीर को जबरदस्ती अपने शब्दों में, अपने अर्थों में सेकुलरिस्ट मत बनाइए। कबीर भक्त थे, कहां तक आप उनकी पूरी एपिस्टमोलॉजी और वर्ल्ड आउटलुक से सहमत होते हैं वो आपकी समस्या है, लेकिन उनको अपने हिसाब से खींचने के लिए मत कीजिए। ये कुछ उसी तरह की हरकत है कि कुछ मित्र हमारे, आजकल तो तुलसीदास का फैशन काफ़ी कम हो गया है, 30-40 साल पहले तक एकेडमिक्स में तुलसीदास बहुत ऊपर थे और कबीर की चिंता एकेडमिक्स में लोग कम करते थे, एकेडमिक्स के बाहर तो हमेशा से करते रहे हैं। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस समय बाकायदा एक थीसिस पढ़ी थी जिसका शीर्षक था समाजवादी तुलसीदास, गनीमत है मार्क्सवादी नहीं लिखा। अगर मार्क्स का जन्म कहीं तुलसीदास के पहले हो गया होता तो ये भी लिखा जा सकता। काहे? क्योंकि तुलसीदास के यहाँ समाज की चिंता बहुत, बात सही बहुत मिलती है, लेकिन समाजवादी एक टेक्निकल टर्म, और जिस अर्थ में हम लोग समाजवादी हैं, उस अर्थ में समाजवादी होने के पहले बाबा हम सबके प्राण थे, बाबा वर्णाश्रमवादी थे भाई, काहे के समाजवादी। इसलिए कबीर कि बहुत सारी बातें आपके काम की हैं, आपको अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको असुविधाजनक भी लग सकती हैं। कबीरदास की स्त्रियों के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी, यहाँ बैठी सभी बालिकाएं नोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मीठा ही मीठा है, कुछ कुछ कड़वा भी है,
सवाल ये है कि आप कबीर को एक कवि के रूप में एक होलिस्टिक ढंग से अगर देखेंगे और पढ़ेंगे तो दीगर तरह के नतीजे। कबीर की कविता बुनियादी तौर से एक तरह से जिसको मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी आउटसाइड रिलीजन, एक तरह के धर्मेतर अध्यात्म की खोज की कविता, उनकी साधना की जो धारणा है उसमें आप देखते हैं कि कैसे उनकी जो आध्यात्मिक वेदना या आध्यात्मिक तकलीफ है वो एक खास तरह के सोशल ओरिएंटेशन में या एक खास तरह के सोशल विचार में बदल जाती है। जैसे कबीर की ये समझ है, अपने अनुभव के आधार पर समझ है कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, किसी पुरोहित की, किसी पाड़े की, किसी मौलाना की जरूरत नहीं। और एक पद में आपको अनुमति दें तो वो मैं पद पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। और इसलिए लगता है कि कबीर कितने गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और उससे हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं, भले ही हम कबीर से पूरमपूर सहमत हों या ना हो। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चली, जहां जहां डावलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोबो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा, कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा, वगैरह वगैरह। मैं जो कुछ करता हूँ वो सब भक्ति, मैं जो कुछ करता हूँ वो सब पूजा है, मुझे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, अलग से मंदिर में जाने की, अलग से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खाता हूँ तो मैं भगवान को भोग लगाता हूँ, मैं चलता हूँ तो मैं परिक्रमा करता हूँ, मैं सोता हूँ तो मैं दंडवत करता हूँ। कबीर से जो लोग चिढ़ते थे वो सही चिढ़ते, और आज भी जो चिढ़ते हैं वो सही चिढ़ते, क्योंकि कबीर पत्ते नहीं पकड़ते, वो जड़ पे चोट करते। जब मेरे और भगवान के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है तो एक पूरे का पूरा एडिफिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है। दोस्तों, ये आखिरी बात, भक्ति जैसा मैंने आपसे कहा कि चौथी पांचवी सदी में सामंती सत्ता के प्रति समर्पण की विचारधारा के रूप में विकसित हुई, देखी जा रही थी, उसको 13वीं-14वीं सदी के निर्गुण भक्त एक नया रूप जैसा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो नया रूप देते हैं और लोकप्रिय होते हैं, स्वीकृत होते हैं, उसका कारण, और उसका कारण ये है कि भक्ति शब्द का जो मूल अर्थ था, एक तरह से ये कविगण, ये भक्त लोग उसको डिस्कवर करते हैं, रीडिस्कवर करते हैं। पाणिनी, आप जानते हैं पाणिनी के व्याकरण की विशेषता ये मानी जाती है कि वो डिस्क्रिप्टिव व्याकरण, वहाँ शब्दों की, पदों की परिभाषा नहीं की गई है, उनके जो रूप प्रचलित हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, और पाणिनी एक्सप्लेन करते हैं भक्ति को, बहुत सारे उदाहरण हैं उनमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाणिनी एक्सप्लेन करते हैं भक्ति को सेंस ऑफ बिलोंगिंग के रूप, पार्टिसिपेशन के रूप, उसके पहले यास्क, यास्क पाणिनी के भी पहले, क्योंकि भक्ति शब्द वेद में भी आता है, और उसको वेद के हवाले से यास्क एक्सप्लेन करते हैं, अगेन साहचर्य, और यास को उदाहरण देते हैं कि इंद्र के भक्त हैं अग्नि, अग्नि के भक्त हैं इंद्र, पार्टिसिपेट कर, जो उनको दिया जाएगा वो उन तक पहुंचेगा। जब ये भक्तगण इस भक्ति को रीडिस्कवर जैसा करते हैं, जब ये बल देते हैं इस बात पर कि जो कुछ हम करते हैं वही भक्ति है, वही साधना है, जब ये कहते हैं कि जन्म के आधार पर आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते, जब ये कहते हैं, और नामदेव जैसी किंवदंती आपने देखा कि जिस तरफ मंदिर, जिस तरफ नामदेव खड़े हो जाए उस तरफ मंदिर का मुंह घूम जाता था, कबीर के बारे में एक किंवदंती है कि, हालांकि किंवदंती ही है ऑब्वियसली, किस्सा है कि बकरी मस्जिद में चली गई, मौलाना बहुत नाराज हुए, हालांकि जुलाई के पास बकरी होती नहीं है लेकिन वो रही होगी कबीर के पास, तो उनकी बकरी मस्जिद में चली गई तो मौलाना बहुत नाराज हुए, तो कबीर ने कहा कि मौलाना गलती हो गई, जानवर है तो चूक हो जाती, मैं तो नहीं आया ना, वो अब उससे बेवकूफी हो गई, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं आया, आगे से नहीं आएगी, ध्यान रखो। तो ये जो चीजें हैं, भक्ति सरेंडर है बराबर वाले के, भक्ति पार्टिसिपेशन, राम की जो विभूतियां हैं वो मेरी विभूतियां हैं, राम की जो सीमा है वो मेरी सीमा है,
मैंने अभी जिक्र किया और ये इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात करके फिर खत्म करते हैं। कबीर जब डायडेक्टिक मूड में होते हैं, और ये कबीर का एक बहुत ही पावरफुल क्रिएटिव कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने कहा पावरफुल क्रिएटिव कॉन्ट्राडिक्शन, जब कबीर डायडेक्टिक मूड में होते हैं तो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी स्त्रियों की निंदा करने की, और उसका एक्सप्लेनेशन या रैशनलाइजेशन तब भी किया जाता था, आज भी किया जाता है कि भाई वो कामिनी रूप की निंदा करते हैं। तो इस पर मेरा जो सवाल हमेशा से रहा है, अपनी किताब में भी मैंने पूछा है कि भाई अगर आपको अपने आप पे काबू नहीं है तो स्त्री की बेचारी काहे निंदा करते हो, अपनी निंदा करो। दूसरा जो एक सवाल मेरे मन में रहा है कि ये काम की जो समस्या है, ये स्त्री भक्तों को भी सताती होगी, आंडाल को भी सताती होगी, मीरा को भी सताती होगी। आंडाल और मीरा को तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि पुरुष मात्र को नरक का द्वार बताती बैठे, तो समस्या स्त्रियों की नहीं है, समस्या पुरुषों की, कि आप नारी मात्र को नरक का द्वार बताएं या नारी के बारे में, वो सब कोट करने की जरूरत नहीं है, वो किताबों में मौजूद है। और कोट करने में एक खतरा और भी है कि यार लोग इस बात पर तो ध्यान नहीं देंगे कि मैं कोट कर रहा था, मुझे को पकड़ ले जैसा हमारे मित्र एक प्रोफेसर साहब के साथ उदयपुर यूनिवर्सिटी में हो चुका है, वो बेचारे कुछ स्कॉलर्स को कोट कर रहे थे, FIR उन्हें झेलनी पड़ गई। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं पता, बहुत मजेदार घटना उदयपुर यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो सज्जन गए वहाँ और वो ये दिखा रहे थे कि विदेशी स्कॉलर्स हिंदू धर्म के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, तो वो असल में हिंदू धर्म को डिफेंड करना चाहते थे। तो वो अच्छा लेक्चर था, एकेडमिक लेक्चर, तो उन्होंने कोट किया कुछ लोगों को, वेंडी डोनेगर को कोट किया, वो जो गणेश जी पर जो किताब लिखी है कॉट राइट, उनको कोट किया, तो वहाँ हंगामा हो गया। वाइस चांसलर साहब ने वो जो आयोजिका थी उनसे सोकॉज गनीमत सस्पेंड नहीं किया, सोकॉज नोटिस दे दिया उनको, इन प्रोफेसर साहब के खिलाफ FIR हो गई। ये बेचारे जो हैं फिर राजनाथ सिंह से फलाने से ठिकाने से मिलते हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो कोर्ट कर रहा था, ये सब मैं नहीं कह रहा था। तो इसलिए मैं कबीर को भी कोर्ट करने से आजकल डर, आहत भावनाओं का जमाना है, कब किसका क्या होगा। वो पुराने लोग कहते थे कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो आजकल ये है कि ना जाने किस रूप में आहत भावना मिल जाए, तो इसलिए छोड़ दीजिए। जो कहना चाहता हूँ वो ये है, और ये दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, रामानुजन का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है मैन वीमेन एंड सेंस, और रामानुजन उसमें ये बताते हैं कि भक्ति में एक बहुत कमाल का काम ये होता है कि जो आपका गिवन जेंडर है और उससे जुड़े हुए जो आइडियल या स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं भक्ति में, आप उनको ट्रांसेंड कर जाते हैं। आप स्त्री हैं तो आपका गिवन रोल है कि आप घर में रहें, लेकिन आप वस्त्र तक त्याग कर घर के बाहर निकल जाते हैं। आप पुरुष हैं तो आपका गिवन रोल है कि आप डोमिनेट करेंगे, आप लॉर्ड ओवर करेंगे, लेकिन भक्ति में आप बिल्कुल उस तरह की भाषा, समर्पण की, सरेंडर की, स्त्रियों की तरह की भाषा बोलने लगते हैं। रामानुजन ने बहुत मार्मिक बात कही है कि और इस प्रक्रिया में भक्ति एक तीसरे जेंडर को जन्म देती है, और वो जेंडर है भक्त, मैन वीमेन एंड सेंट, मैन वीमेन एंड भक्त। रामानुजन एक चीज पर ध्यान देना भूल गए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे अभी कह रहा था, और इस किताब में मैंने इस पर विचार किया है कि अपनी काम भावना को नियंत्रित करने के लिए या उससे अपना चित्त हटाने के लिए स्त्री की निंदा करना पुरुषों को जरूरी लगता है, लेकिन मेरी सीमित जानकारी में, अगर इसको कोई करेक्ट करेगा तो मैं आभारी होऊंगा, किसी भाषा की किसी भक्त कवियत्री ने पुरुष मात्र की निंदा नहीं की। मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं किंवदंतियों से भी, इतिहास से भी, कि उन्हें तरह तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ा, उन्होंने उसको रजिस्ट किया और बड़े बांकेपन से रजिस्ट किया। पुरुष को तो छोड़िए, उस राणा तक को गालियां नहीं दी हैं जिसने उनका उत्पीड़न, यही कहा कि राणा जी मने बदनामी लागे नहीं, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी, राणा जी मने बदनामी लागे नहीं। पुरुषों के साथ कुछ समस्या है और वो तब से लेके आज तक है। मैं पुरुषों इसलिए जानता हूं कि समस्या हम लोगों में है कहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है और जिसको मैंने कहा कि एक पावरफुल क्रिएटिव कॉन्ट्राडिक्शन, कबीर से लेकर के पलटू तक जो 18वीं सदी के कवि हैं और उनके बाद के कवियों तक, आप देखेंगे कि जब ये भक्त लोग अपना प्रेम प्रकट करते हैं भगवान के प्रति, अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, तो इनवेरिएबली नारी की आवाज में बोलने लगते, नारी का परसोना धारण कर लेते। कबीर की अगर भक्ति संबंधी कविताएं, खास करके वो कविताएं जिनमें वो प्रेम और समर्पण व्यक्त कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें और उनको एनालाइज करें तो आप पाएंगे 99% कविताएं फीमेल वॉइस, और वो इतनी
प्रगल्भ कविताएं, इतनी मार्मिक, बाला आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको कछु संदेह, एक मेक है सेज ना सोवे तबलक कैसा ले। कभी कि सब लोग मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं, लेकिन खुद मुझे संदेह होता है, क्योंकि हम जब तक सेज पर एक साथ ना सोए तब तक प्रेम कैसा। ये वही कबीर है जो डायडेक्टिक मूड में स्त्री की बहुत निंदा करते हैं, लेकिन जब वो अपने पोएटिक मूड में होते हैं, अपने भक्ति के मूड में होते हैं, तो पर फोर्स औरत की आवाज में पूछने लगते हैं। और यह केवल कबीर के साथ नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरी निर्गुण परंपरा का बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं फिर से कहूं कि क्रिएटिव कॉन्ट्राडिक्शन, तुलसीदास के ऐसा नहीं होता। तुलसीदास कहीं फीमेल पर्सोना नहीं अख्तियार करती, मीराबाई कहीं नारी की निंदा नहीं करती, पुरुष की भी निंदा नहीं करती। ये कबीर से लेकर के पलटू तक के यहां होता है और कवियों में होता है। इसलिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इस पर भी हमें गौर करना चाहिए, और इसको हम तभी अप्रोच कर सकते हैं जब कबीर को कवि के रूप में, कबीर की भक्ति को जब हम पार्टिसिपेशन के रूप में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। और इसी वजह से एक अंतिम बात मित्रों, कबीर को आधुनिक लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है। कबीर का मामला ऐसा नहीं था कि आधुनिकता आने के पहले, यूनिवर्सिटी बनने के पहले, अंग्रेजी में कबीर पर किताबें लिखे जाने के पहले कबीर को कोई जानता वानता नहीं था, ऐसा नहीं था। यूनिवर्सिटी सिलेबस में कोर्सेस में कबीर इग्नोर किए गए या नहीं किए गए वो एक अलग मसला है, लेकिन जब 1828 और 1832 में विल्सन लिखते हैं स्केच ऑफ हिंदू, तो उसमें 17-18 पेज कबीर पंथ पर, और कबीर की 100 साखियों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और वो इंसिडेंटली कबीर का अंग्रेजी में पहला हुआ। उसके बाद क्रुक जब लिखते हैं 1896 में आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में, जिसे उस जमाने के मुहावरे में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहा जाता था, तो तुलसीदास के प्रभाव के बारे में लिखते हैं, लेकिन कबीर के बारे में लिखते हैं कि तुलसीदास बहुत प्रभावी कवि हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कबीर की वाणियां तो किसी भी हिंदू किसी भी मुसलमान के मुंह से कभी भी सुनी जा सकती इस इलाके में। तो ये वो चीजें थी जिनकी वजह से ये समाज कबीर से लगातार संवाद करता था, कबीर से लगातार प्रेम करता था। संवाद और प्रेम का अर्थ कबीर के जैसा हो जाना नहीं, कबीर की हर बात से सहमत हो जाना नहीं। मैं जब यहाँ 17 तारीख को बोल रहा था तब मैंने एक उदाहरण दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के, गुरु स्वामी बिरजानंद सरस्वती का। कबीर की रचनाएं पुष्टि मार्गी पांडुलिपियों में भी बिना किसी सेंसरशिप के सुरक्षित है। पुष्टि मार्गी मूर्ति पूजा भी करते हैं, वर्णाश्रम में विश्वास भी करते हैं, उनके यहाँ गुरु का बहुत महत्व है, आचार्य का बहुत महत्व है, लेकिन जब वो कबीर को संकलित करते हैं तो जस का तस। वो कबीर का सम्मान करना या कबीर की पोइट्री को अप्रिशिएट करना या उनकी साधना को अप्रिशिएट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरम पूर कबीर की हर बात को मानने लगे। डायलॉग में और जस का तस हो जाने में बड़ा फर्क होता है। आखिर में मुझे एक किस्सा याद आ गया, ये बात कहते कहते वो सुना के खत्म करता हूँ। ये 6-7 साल पहले की बात है, एक टेलीविजन चैनल के सज्जन कुछ कबीर जयंती वगैरह थी तो मेरा इंटरव्यू करने आए। मैं उस समय UPSC का मेंबर था और इसलिए सरकारी बंगले में रहता था। सरकारी बंगले आप जानते हैं कि भव्य, तो वो पधारे और उन्होंने कैमरा ऑन वॉन करके सब पहला सवाल मुझ पे दागा, सर आप कबीर पर काम करते हैं और इतनी शान शौकत से रहते हैं, इतना भव्य आपका बंगला है, बाहर आपका ड्राइवर खड़ा है, चौकीदार खड़ा है, आप क्या कबीर के स्कॉलर हैं? टेलीविजन वालों की आदत होती है ध्वस्त करने की। अब उन्हें ये सज्जन को नहीं पता था कि मैं टेलीविजन का पुराना बैटर हूँ, मैं 18-20 साल से टेलीविजन झेल रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, बड़ी कृपा है ईश्वर की मेरे ऊपर कि मैं गालिब पर काम नहीं करता, वरना आप मुझसे ये पूछते कि सर सुबह से शाम तक पीते हैं या नहीं, दिल्ली के कोतवाल ने कभी आपको बंद किया या नहीं, प्रेम प्रसंग आपके कितने हैं, उधारी कितनी है, मोहल्ले के बनिए के डर से घर के पिछले दरवाजे से भागते हैं या नहीं,
मैंने कहा भगवान की कृपा है कि मैं गालिब पे काम, और भी कृपा है कि तुलसीदास पर काम नहीं करता, वरना आप कहते कि पत्नी बैठी है सामने और आप तुलसीदास पे काम करते। तुलसीदास भाग गए थे भी पत्नी इतनी को छोड़ के, पत्नी का सब किस्सा हम जानते हैं रत्नावली का। कबीर नहीं, मैंने कब दावा किया कि मैं कबीर या कबीर पंथी, मैं एक स्कॉलर हूँ, कबीर पर काम करता हूँ, कबीर में मेरी दिलचस्पी है, दुनिया के बहुत से कवियों पर काम करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। तो अच्छा सर हम इसको हटा देते हैं। मैं कहा हटा देते इसको दिखाइए, दिखाइए कि आपने क्या सवाल पूछा और क्या जवाब दिया। कबीर की और कबीर के राम की कृपा से उन्होंने वो कार्यक्रम ही नहीं दिखाया। तो खैर मैं जो बात कह रहा था बुनियादी तौर से वो ये कि लेट अस नॉट कन्फ्यूज बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड द स्टडी इटसेल्फ, लेट अस नॉट कन्फ्यूज बिटवीन अवर आइडियाज एंड देयर आइडियाज, लेट अस नॉट कन्फ्यूज बिटवीन अवर टाइम्स एंड देयर टाइम्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट द पास्टनेस ऑफ पास्ट। अगर आप इतिहास को केवल वर्तमान राजनीति के प्रोजेक्शन का एक जरिया मान लेंगे तो आप मानते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जब कोई और मानने लगता है तो कष्ट होने लगता है। जब कोई और कहता है कि हम तो इतिहास को इसी तरह पढ़ेंगे क्योंकि आज की राजनीति ऐसी है, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए कबीर को कबीर की तरह पढ़िए, पोएट की तरह पढ़िए, बहुत ही मार्मिक पोएट है कबीर। जो लोग हिंदी भी कबीर की खड़ी बोली हिंदी तो है नहीं, पुरानी हिंदी है, तो जो लोग कबीर की उस पुरानी हिंदी को नहीं पढ़ सकते और हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की लिंगुआ फ्रैंका में ही पढ़ सकते हैं अर्थात अंग्रेजी में, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन अनुवाद कबीर के लिंडा हैस ने किए हैं, अभी पिछले दिनों अरविंद कृष्ण मेहरूत्रा ने किए हैं, और भी तर्जुमे कबीर के सुलभ हैं। कबीर की कविता अगर आपको अच्छी लगती है, कबीर कहीं आपको एक इमेज के तौर पर अपील करते हैं, तो सबसे बेहतर ये होगा कि कबीर के बारे में कोई भी राय बनाने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान कबीर करें ये मांग करने के पहले, समस्याएं आप पैदा करें समाधान कबीर करें, तो ये मांग करने के पहले कबीर को पढ़िए, कवि के रूप में पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। कबीर बहुत उत्तम पोएट हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया है, वो तुलसीदास के प्रसंग में किया है, वो कबीर पर भी उतना ही लागू होता है। कबीर उन गिने चुने कवियों में हैं जिन्हें मनुष्य के मन के और अनुभव के मार्मिक क्षणों की अचूक पहचान, और उन मार्मिक क्षणों को वो अपनी कविता में भाषा के जरिए रचते हैं, और उनकी सारी कविता का सार बेसिकली यही बनता है कि प्रेम प्रस्थान है और भक्ति अगर समर्पण है तो प्रेम का समर्पण है, भक्ति भागीदारी की मांग है, जीवन में अपने परिवार में और अपने समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आपकी जो सूचना थी उसमें लिखा गया था कि प्रोफेसर अग्रवाल हैज टू लीव एट 6:30 स्टार्ट, लेकिन जब मैं आया और मैंने श्री नीलाद्री भट्टाचार्य मेरे परम मित्र इनको जब ये बात याद दिलाई तो उन्होंने हंस के कहा कि वो तो तुम भूल जाओ, तो बहरहाल मैं भूल गया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कुछ सवाल लेने से पहले आप लोग को ये फिर से बता देते हैं कि हमारे बीच ईशा खंडेलवाल जी हैं, तो इसके बाद वो आएंगी और बोलेंगी। आपके मन में अगर कुछ सवाल हो तो ब्रीफली आप लोग रखिए। सर मुझे बस ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि भक्ति मूवमेंट जो है वो सरेंडर टू फ्यूडल नोशंस नहीं होके उसको क्वेश्चन करता है, निर्गुण भक्ति जो सके आप उस समय तो, और ये भी जो है जो कि पूरा एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन के खिलाफ एक पॉपुलर नोशन, नॉट पॉपुलर नोशन, निर्गुण भक्ति जो अपने आप में है, तो ये किस तरह हम इसको किस हद तक समाज में एक जो स्थापित रिग्रेसिव आइडियाज के खिलाफ एक मूवमेंट की तरह देखते हुए, और इस मूवमेंट को कहीं पे हमारे एब्रप्टली हमारे सोशल डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कहीं पे एब्रप्ट रुक गया
हो सकता है ऐसे कई और मूवमेंट होते और हमारे समाज में भी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि साइकोपैथिक सोसाइटी का कहीं पे ये एंड, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हिस्ट्री का रुकने से और वो पूरा एक अनडेमोक्रेटिक और रिग्रेसिव आइडियाज़ को कैरी फॉरवर्ड होना, वो किस हद तक आज, जो आज हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि एक साइकोपैथिक सोसाइटी जो आप अभी अपने नॉवल में बोल रहे थे, हालांकि आप भी पूरी तरह उसको अग्री नहीं करते हैं, लेकिन किस हद तक हम उससे उसको रिलेट करते हुए देख सकते हैं? देखिए, असल में ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, जाहिर है कि बहुत लंबे और तवील जवाब की मांग करता है। आपने एक तरह से उत्तर खुद ही दे दिया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो वक्त था हिंदुस्तान की अर्ली मॉडर्निटी का वक्त था, ये हिंदुस्तान में मीडिएवल सोच का वक्त नहीं था। और इस अर्ली मॉडर्निटी के साथ जो कॉलोनियल मॉडर्निटी का एनकाउंटर हुआ, उसके कॉलोनियल मॉडर्निटी के अच्छे नतीजे भी हुए, बेशक बहुत अच्छे नतीजे हुए, लेकिन उसका जो एक बहुत चिंताजनक नतीजा हुआ वो ये कि जो हिंदुस्तान की अपनी मॉडर्निटी थी, अपनी खुद की ट्रेडिशन से इवॉल्व होती हुई मॉडर्निटी थी, वो डिस्टॉर्ट हुई और उसमें बाधाएं पड़ी। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आज हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो इस डिस्टॉर्शन से पैदा हुई। अब उन डिस्टॉर्शंस को जहाँ तक उनको डील करने का, उनसे निपटने का सवाल है, तो वो हम सब लोग कोशिश कर ही रहे हैं अपने अपने ढंग से। बेसिक बात यह है कि जब तक कुछ फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज में हमारी आस्था ना हो, जब तक हम इस बात से बाहर ना निकलें कि सारी आइडेंटिटीज अपनी जगह, लेकिन अंततः कोई ना कोई एक ऐसा यूनिवर्सल डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल डिस्कोर्स ऑफ इंक्वायरी है जिसमें हम अपने आप को रिलेट करते हैं, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। वरना फिर यही रहता होता रहेगा कि इसके ह्यूमन राइट अलग तरह के, उसके ह्यूमन राइट अलग तरह के, कल्चरल रिलेटिविज्म आ जाएगा कि हाँ भाई आप ये करते आए हैं परंपरा से, तो ठीक है कीजिए, हिजाब भी ठीक है, सती भी ठीक है, फला भी ठीक है, फिर वो समस्या आ जाएगी। तो इसलिए मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ नोशन ऑफ सर्टेन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, क्रिटिकल इंक्वायरी सबसे महत्वपूर्ण है। फेथ बहुत महत्वपूर्ण है, इमोशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्रिटिकल इंक्वायरी। ये जो हर्ट सेंटीमेंट की पॉलिटिक्स है, ये केवल सिंपल हर्ट सेंटीमेंट होता तो इतनी चिंता की बात ना होती। ये कंस्ट्रक्टेड हर्ट सेंटीमेंट, ये कंस्ट्रक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ हर्ट सेंटीमेंट, और इसीलिए ये क्रिटिकल इंक्वायरी के सबसे पहले खिलाफ खड़ा होता है। आप किसी भी तरह की बात करें, किसी भी तरह का सवाल करें, तो कोई ना कोई सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। जिस उपन्यास का आपने जिक्र किया, वो नाकोहस मेरा उपन्यास है, अभी कुछ दिन पहले छपा है। नाकोहस आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये भी डिक्शनरी में पूछती रही थी, परेशान हुई। नाकोहस मैंने एक एक्रोनिम गढ़ा है और वो उपन्यास एक तरह की डरावनी फैंटेसी है। नाकोहस इज एन एक्रोनिम फॉर नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट। तो नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट बन गया है और मेरे जैसे कुछ बेवकूफ उसके सामने पेश किए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है, दैट इज अबाउट द नॉर्म। तो ये जो सारी चीजें हैं, ए नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड अ रेस्पेक्ट फॉर क्रिटिकल इंक्वायरी, ये फंडामेंटल है। इसके बाद आपके अपने तमाम तरीके हो सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, आप फला पार्टी को सपोर्ट करें, ढिका लीडर को सपोर्ट करें, बट देयर हैज टू बी अ कंसेंसस ऑन दीज टू थिंग्स, द आइडिया ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी एंड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल इंक्वायरी। मेरा सवाल भक्ति से नहीं है, लेकिन आपकी जो आप बोल रहे थे आज, वो सुनते हुए मुझे, आप कबीर की बात कर रहे थे और मेरे दिमाग में गांधी जी की बात जा रही थी, और खासकर ये जो बात थी स्त्री की, और आपने कहा कि किस तरह से कबीर एक अपने आप को एक नारी के रूप में देखते हैं, तो गांधी जी में भी बहुत सी चीज़ें ये आती हैं, जैसे फास्टिंग को लेते हैं, उनकी जो ग्रैंड नीस थी उन्होंने किताब लिखी बापू माय मदर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परवरिश की, और बहुत से मुझे लगता है युवा लोग जो हैं आज के हमारे स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं गांधी जी की कि जाके कलेक्टेड वर्क्स पढ़िए, तो एक बहुत उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल एक चीज़ की आती है कि इनको हम कैसे सीरियसली लें। ये तो देखो नेचर क्योर की बात कर रहे हैं, मड पैक्स कर रहे हैं, आधी उनकी जो बातें हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में हैं और राजनीति के बारे में कम है। तो सवाल मेरा ये था कि कबीर के लिए आपने एक बताया एक तरीका उसको समझने का, क्योंकि वहाँ हम भक्ति के साथ
उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन गांधी में ये जो एक आ रही है, एक ये चेतना या एक जो है सेल्फ परसेप्शन, इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, शुक्रिया इस सवाल के लिए। रामानुजन के जिस निबंध की मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा, ध्यान होगा, उसमें वो गांधी का जिक्र करते हैं, मैन वीमेन एंड सेंट द थर्ड जेंडर। तो स्वाभाविक रूप से उसमें उनको गांधी इन्हीं संदर्भों में याद आते हैं जिनमें आप बात कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं गांधीवादी तो नहीं हूँ, वादी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन गांधी जी उन लोगों में से हैं जिनसे मेरा गहरा लगाव। 2005 में गांधी पीस फाउंडेशन में मैंने एक लेक्चर दिया था, जो उनका एनुअल गांधी लेक्चर होता है, और उसका शीर्षक मैंने ही तय किया था, और वो शीर्षक था मजबूती का नाम महात्मा गांधी। आमतौर से कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैंने शीर्षक दिया था मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तीसरी और सबसे दुखद बात जो है, आज ही दोपहर में मुझे ये तजुर्बा हुआ है, कबीर की तुलना गांधी जी से स्त्री और उसके बारे में रवैये और सोच विचार के प्रसंग में ही नहीं, एक और प्रसंग में भी की जा सकती है। और वो प्रसंग यह है कि हम सब लोग जानते हैं वो किंवदंती के, जब कबीर का निधन हुआ तो उनके हिंदू और मुसलमान शिष्य आपस में भिड़ गए कि दाह संस्कार करेंगे या दफन करें। अब जाहिर है कि ये कबीर की विफलता का एक बड़ा भारी मेटाफर था कि जो आदमी जिंदगी भर इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन के खिलाफ लड़ता रहा, उसकी लाश को लेकर झगड़ा होने लगा कि जलाएंगे कि दफनाएंगे। फिर किंवदंती अपने ढंग से, जैसे लेजेंड्स इस तरह की समस्याओं का समाधान करती हैं, वैसे ये लेजेंड भी करती है कि वो चादर उड़ा दी गई, फिर बाहर चले गए लोग, लौट के आए तो फूल थे, आधे जो है दफना दिए गए, आधे जला दिए गए। यानी जिंदगी भर दोनों इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स की आलोचना करने वाला आदमी अंत में आधा आधा दोनों इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स ने हासिल कर दिया। तो इस अर्थ में मैं इसके मदंती को कबीर की विफलता का बहुत मार्मिक, आंखों में आंसू ला देने वाला रूपक मानता हूँ। मैं आज कुछ नौजवानों से बात कर रहा था और इसके मदंती का मैंने जिक्र किया, और मैंने पूछा कि इससे मिलती जुलती कोई घटना 20वीं सदी की आपको याद आती है क्या? मुझे सचमुच दुख हुआ, वो सब पढ़े लिखे नौजवान थे, एमफिल और पीएचडी कर रहे नौजवान थे, साहित्य के विद्यार्थी थे। किसी को ये याद नहीं आया कि 14-15 अगस्त की रात 1947 में गांधी जी दिल्ली के उत्सव में नहीं थे, कोलकाता के हैदरी हाउस में अपने 4-5 साथियों के साथ सो रहे थे। और जब उनसे बीबीसी वालों ने पूछा कि साहब फ्रीडम मिल गई, आपकी लड़ाई कामयाब हो गई, आपके पास क्या है कहने को, आई हैव नथिंग टू से, प्लीज गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट गांधी हैज नो मैसेज। तो कहीं ना कहीं असल में जो गांधी जी के प्रति नौजवानों की उपेक्षा, उसका बहुत बड़ा कारण भारत सरकार, गांधी जी को जिस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, खुद बेचारे गांधी जी ने एक बार 1931 में कहा था कि आई एम नॉट द बोरिंग डेडली ओल्ड मैन आई एम सपोज टू बी, लेकिन ऐसा उनको बना दिया। और उनकी ये सारी बातें, उनके जो रियली एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं उनके जीवन के, उनके जीवन के जो रियल संघर्ष हैं, जो आत्मसंघर्ष हैं उनके, जो वास्तव में जबरदस्त डिबेट्स हैं जिनमें आप किसी भी पक्ष को लें, चाहे वो रिवॉल्यूशनरीज के साथ हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हो, वहाँ आप देखते हैं कि गांधी, एंड आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ द व्यूज एट द मोमेंट, बट देयर गांधी कम्स आउट एज अ पावरफुल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, नॉट एज द डेडली ओल्ड मैन, जो कि दुर्भाग्य से गांधी जी के अपने आप को प्रेमी कहने वाले लोगों ने, वो गांधी जी के साथ भी समस्या वही है जो कबीर जैसे लोगों के साथ, और गांधी बहुत व्यापक पर्सनैलिटी थे, गांधी में से कोई अनसन ले लेता है, कोई खादी ले लेता है, कोई चश्मा ले लेता है, कोई सफाई ले लेता है, कोई अहिंसा अकेली ले लेता है, होलिस्टिक ढंग से देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को ले सकेंगे। और ये आपने सही कहा, खास करके नौजवान दोस्तों से मैं कहूँगा कि चाहे कबीर हों चाहे गांधी जी हों, मध्यस्थों को छोड़ दीजिए, नेताओं से लेकर आलोचकों से लेकर प्रोफेसरों तक को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट को सीधे अप्रोच कीजिए तो शायद ज्यादा रोचक चीजें मिलेंगी। ये आखिरी सवाल लेते हैं इनसे। सर मेरा क्वेश्चन तो कबीर पे नहीं है लेकिन कबीर से जुड़ा हुआ है। निर्गुण पंथ में एक सूफी काव्यधारा है,
जिसमें जिस जिसके मतलब जो सूफी का विधायक लोग अपने आप को पुरुष के रूप में देखते हैं और परमेश्वर को स्त्री के रूप में, मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप उसको आप किस ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। निर्गुण काव्य धारा में सूफी काव्य धारा नहीं है, सूफी काव्य धारा स्वायत्त है और निर्गुण काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत से फर्क भी हैं। अब उनका गॉड कंसेप्शन क्या है और उसमें जेंडर का क्या रोल है, सच कहूँ तो मैं इस समय इसका उत्तर दे इसलिए नहीं पाऊँगा। अगर आप लोग आधे पौने घंटे झेलने को तैयार हो तो दे सकते, क्योंकि नहीं उसका कारण है। संक्षिप्त उत्तर दूंगा तो मुझे संदेह है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो गलत हो जाए, क्योंकि इस पर जो प्रचलित धारणाएं हैं उनसे मैं एकदम अलग ढंग से सोचता हूँ। सूफी काव्य के बारे में जो प्रचलित और लोकप्रिय धारणाएं हैं और सूफियों का जो भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह को, नूर को औरत के या मर्द के रूप में देखने का जो ढंग है, उस पर जो प्रचलित धारणाएं हैं उनसे मेरी धारणा एकदम अलग है। और उसका विस्तार मैंने इस किताब में भी नहीं किया है, क्योंकि ये किताब सूफियों पर नहीं कबीर पर थी। उसका अब जो मैं समय जो काम कर रहा हूँ उसमें उसका विस्तार होगा, इसलिए इस पर कभी अलग से बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा और न्याय करने के चक्कर में पड़ा तो फिर आप लोग कहेंगे, फिर वो नीलाद्री कहेंगे कि आप ज़्यादा बोलते, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। हाँ जी डन। अब मैं थैंक यू कह सकता हूँ आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।